देखी और उन्होंने देख लिया बट सेम। ये तो मतलब क्लासिक वाली मिस्टेक्स हैं। पर आज के दिन पे एडमिनो क्या शानदार वो खिलाड़ी खेल कर गया, जॉनसन ने पूरा साथ दिया, पंख आईजेल होकर भी बहुत सारे फिनिशर्स निकालते हुए नजर आए, और आई पर्सनली फेल्ट कि हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक बिल्कुल एक्सट्रीम तरीके से अब खेल रही है, वो अग्रेशन के साथ जा रहे हैं और बहुत फ्लैग्स निकाल रहे हैं। मे बी ये खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं ऑलरेडी सेमीफाइनल्स की विजन बना करके कि भाई हम एक्सट्रीम जाएंगे, फाइट्स लेंगे। टीम्स अगर आज हमने इनको जोन के एज को कैंप करते हुए देखा, बट वो कैंप नहीं था, वो गेट की बहुत अच्छे तरीके से किया था बिकॉज ऑटोबॉट्स वहां से मूव कर रहे थे, तो ये बहुत सही डिसीजन उनकी तरफ से लगा। थोड़े बहुत चेंजेस अपने प्ले स्टाइल में कर रहे हैं बट ये उनके एग्रेशन को ही बढ़ा रहा है, जहां पर हमने सिम को खुद पहले आगे जाते हुए देखा जब टीम एक्सपा के खिलाड़ी वहां पर सारंग काफी बैक एंड पर थे, इकलौता खिलाड़ी आगे गया है फाइट लेने की कोशिश करी, सो स्ट्रैटेजी जरूर बना रहे हैं। जी हाँ, स्ट्रैटेजी की बात करें, मैं आपसे जानना चाहूंगा, मैंने एक आईजीएल का चेंज हुआ है हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक में, पंक आए और खेलने का तरीका पूरा चेंज हो गया। देखिए मानसिकता पे डिपेंड करता है कि किस तरीके से उन्हें खेलना है, और पंक की अगर बात करी जाए तो पहले भी जब वो आप क्यों हंस रहे, मैं जवाब दे रहा हूँ, उन्होंने सवाल पूछा मेरे से, तो मैं वो कह रहा हूँ कि जब वो किसी दूसरी टीम का भी हिस्सा हुआ करते थे, जब वहां पर वो आईजीएल थे, वो अपनी टीम को बहुत आगे तक लेकर गए थे, फिर सिंसे ने कहा भाई आप वापस से ट्राई करके देखते हैं होता है या नहीं होता है, फिर वहां नहीं हुआ, फिर वो हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक की तरफ बढ़े, और वो जो उनका नेचुरल गेम प्ले था उस पर उन्होंने अमल ज्यादा किया है, ऐसा नहीं था कि वो एक्सपेरिमेंट करने लगे कि नहीं नहीं वो जो तीन खिलाड़ी उनके तरीके से मैं खेलता हूं, उन्होंने अपने तरीके से उन तीन खिलाड़ियों को खिलाया है, वो ज्यादा सही है। आप आईजीएल हैं, आपको टीम को लीड करना है, आप एक खिलाड़ी, दो खिलाड़ी, तीन खिलाड़ियों की तरफ से अपना गेम चेंज नहीं कर सकते, टीम का गेम चेंज नहीं कर सकते, और वो चीज पंक ने करके दिखाया। जी हाँ, और वो अभी तक उनके लिए सही साबित हुआ है। अब देखते हैं कि आने वाले समय में वो और कितना इंप्रूव करके जाएंगे अपनी लाइनअप के साथ, बट अभी और गॉडलाइक को हमने देखा है कि वो बहुत ज्यादा अग्रेसिव एक टीम बन के उभरी है इस टूर्नामेंट में, जहां अपोनेंट मिलते हैं वहां पे स्प्रे डाउन किया जाता है, पुश करते देखा है हमने। और जैसा हमने गुजरात टाइगर्स के बारे में पहले बात करा था राउंड वन में कि वो वन नॉक पुश की जो प्रथा थी उसको वापस ला रहे थे, वही चीज अब हीरो टीम गॉडलाइक भी कर चुकी है, जब वो एक नॉक निकालते हैं वो पुश करते हैं। कभी कभी एक खिलाड़ी को कभी पूरी टीम एक साथ मूव करते हुए नजर आती है,